नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। और यह दोस्तों हमारा मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है, जिसमें हम CPCT के लिए मैथ्स कर रहे हैं। और इसमें मैंने टाइम, स्पीड और डिस्टेंस जैसे क्वेश्चन जो है यहाँ पर लिए हुए हैं। तो इन सबको जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे, और टाइम स्पीड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। टाइम स्पीड और डिस्टेंस में सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। जो भी क्वेश्चन होते हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बस इसी फॉर्मूले से आपको सॉल्व करने रहते हैं। बस इसी को घुमा फिरा के नहीं जो है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, और आपको इस फॉर्मूला को एलेबोरेट करना आना चाहिए, यूज करना आना चाहिए कि किस तरीके से इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है समान दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाती है, तो उसी चाल से यह रेलगाड़ी 372 मीटर लंबी सुरंग को कितने समय में पार कर जाएगी। एक ट्रेन है, ठीक है, ये मान ली मैंने ट्रेन है। अब क्या है कि ये इस तरफ जा रही है, और इसी तरफ कोई एक व्यक्ति है, वो भी जो है इसी तरफ जा रहा है। हमें कहा गया है कि समान दिशा में जा रहा है। अब यहाँ पर व्यक्ति की जो स्पीड दी हुई है, वो दी हुई है हमें यहाँ पर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन हमें ट्रेन की स्पीड नहीं पता है, इसकी लंबाई पता है। तो लेंथ जो इसकी है वो हमें 240 मीटर दी हुई है। तो यहाँ से, और इसे एक पार करने में 9 सेकंड लगते हैं, तो यहाँ से हम ट्रेन की जो है स्पीड निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए, ट्रेन की स्पीड निकालने के लिए हमें क्या करना रहेगा। अब समान दिशा में जो चलती है, तो हमेशा याद रखना है कि जो भी स्पीडें होती हैं वो घट जाती हैं, यानी ट्रेन की स्पीड हुई और बात की जाए व्यक्ति की स्पीड हुई, दोनों घट जाएंगी। अब इसकी लंबाई कितनी है, यहाँ पर 240 मीटर दी हुई है। ट्रेन की स्पीड मान ली हमने TS, ठीक है, -6 किलोमीटर। ओके, 6 किलोमीटर हमने ये जो है वो यहाँ पर दी हुई है, व्यक्ति की स्पीड दी हुई है यहाँ पर, और इसको जो है वो कितने 9 सेकंड में जो है वो पार कर जाती है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। सीधा सीधा हमें पता है कि टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वही हमने डिस्टेंस ली है ऊपर, टाइम हमारा नीचे है, और ये बराबर हो जाए, स्पीड हमारी नीचे है और टाइम यहाँ पर हमारा है। तो सब यही फॉर्मूला है, हमेशा आप देखना, जितने भी मैं यहाँ पर क्वेश्चन कराऊंगा वो इसी फॉर्मूले से जो है आपको सॉल्व करने को देखने को मिलेंगे। ओके, अब देखिए, अब यहाँ से हमें क्या करना रहेगा, यहाँ से जो है अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले तो आप देखिए, ये मीटर में दी हुई है, और यहाँ पर ये जो है वो किस में दी हुई है, 6 जो दी हुई है ये किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है, तो इसको भी हमें पहले मीटर पर सेकंड में जो है वो कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे, तो जब भी आप किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको 5/18 से जो है वो मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करूँगा इसमें। ओके, तो यहाँ से देखिए, 6 × 18 ये हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो एक क्या करता हूँ मैं, 3 को इधर करूँगा और नीचे आएगा 3, तो ऊपर मैं यहाँ पर 3 पहुँचा दूंगा। ठीक है, यहीं पे मैंने सॉल्व कर लिया, आप देखिए खुद समझिए। अगर ऐसे नहीं आ रहा तो मैं आपको पूरा, 240 अपॉन TS -5/3, ठीक है, = 9। अब इसको 3 को मैं यहाँ पर लूंगा, एलसीएम लूंगा मान लो, तो 3T मुझे यहाँ पर हो जाएगा, और नीचे वाला है तो यहाँ पर ऊपर पहुंच जाएगा। ओके, तो वही मैंने यहाँ पर सीधा डायरेक्ट कर दिया था, तो यहाँ से हमारा टी, अब देखिए 3 से कट जाएगा, 3 × 9 और 3 × 8 = 24, तो 80 हो गया। अब यहाँ से इधर ले लूँगा, 80 = हो जाएगा 3TS -5। ओके, 3TS -5 ये हो गया हमारा। अब यहाँ से 3TS इजिकल टू 85 ये हो जाएगा। 3 से मैं इसे डिवाइड कर सकता हूँ, 3TS बराबर हो जाएगा 85/3, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, हमें इसे इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, इतना ही मैं इसे रहने देता हूँ।
ये हमारी क्या होगी, ट्रेन की स्पीड आ गई वो भी मीटर पर सेकंड में है, याद रखना है। अब देखिए, अब सुरंग है हमारे पास कितनी है, 372 मीटर की सुरंग है, और ट्रेन की लंबाई आपको पता हो तो जब भी कोई सुरंग होती है, मान लो इतनी बड़ी सुरंग है, इसमें से जो है ट्रेन निकलेगी, तो ट्रेन जब तक पूरी नहीं निकल जाएगी तब तक हम नहीं मान सकते पूरी ट्रेन निकली है। तो ट्रेन की भी इस जो लंबाई है और सुरंग की लंबाई है, इन दोनों को हमें जोड़ना पड़ता है, तो टोटल लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, 372 और 240, यहाँ से देखिए 2 1, और यहाँ पर हो जाएगा 6, 612। ओके, 612 हो गई है हमारी। अब मैं इसको 612 को जो है वो हमें क्या निकालना है, यहाँ पर टाइम निकालना है कि कितने में। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस हमारी पता पड़ गई 612 है, और ट्रेन की स्पीड हमारी है 85/3। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, 612/85 नीचे है तो ऊपर पहुँचा दूंगा मैं, ठीक है, 3 को। अब यहाँ से हम आसानी से काट सकते हैं इनमें, देखिए कैसे काटे वो आप, इसको 5 से अगर पहले मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ सीधा सीधा, ठीक है, तो इधर देखिए यहाँ पर मैं करूँगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 3 छिंग 18। ठीक है, इसको 85 से हम डिवाइड करेंगे, तो पहली बार 2 बार से डिवाइड करूँगा मैं, तो यहाँ से देखिए 2 पंजा 10, 2 8 16, 1 17, ठीक है, तो यहाँ से 136 ही हो जाएगा। फिर कितनी बार, एक बार जाएगा तो 85, यहाँ से देखिए 1, और ये कितना हो जाएगा, 8 और 5 13 होता है, ठीक है, 8 और 5 13 होता है, तो यहाँ पर बचेगा 51। दशमलव लगाऊंगा, 0 बढ़ाऊंगा, ठीक है। अब ये 510 है, 510 को मैं यहाँ पर 85 में किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 510 मिल जाए, तो यहाँ से मैं 6 का कर सकता हूँ, 6 पंजा 30, यहाँ से लगा 3, और 48 और 3 51, तो यहाँ से देखिए कितना आ गया हमारा, इतना जो है वो टाइम आ गया, 21.6 सेकेंड लगेंगे उस सुरंग को पार करने में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सेकेंड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अगला क्वेश्चन देखिए, एक रेलगाड़ी पहले 75 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित एक समान चाल से तय करती है, और अगले 90 किलोमीटर की दूरी वह सामान्य चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक की औसत से चाल से तय करती है। यदि यात्रा को पूरा करने में 3 घंटे समय लगता है तो सामान्य चाल से रेलगाड़ी को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए उसने क्या किया, 75 किलोमीटर है वो कितने में, मैंने माना कि जो ट्रेन की जो सामान्य चाल है, ट्रेन की जो स्पीड है वो मैंने मान ली एक्स है, ठीक है, तो पहली 75 जो किलोमीटर है वो उसने, मैंने माना कि इतने समय में जो है उसने तय कर ली, क्योंकि ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड है तो बराबर टाइम होता है, ठीक है, प्लस बाकी की जो 90 किलोमीटर है वो उसने, अब यहाँ पर देखिए उसने क्या 10 किलोमीटर बढ़ा दी, तो x+10 कर दूंगा मैं, तो इन पूरी पूरी जो जितनी भी इसने डिस्टेंस कवर की हुई है उससे कितने घंटे लग रहे हैं, 3 घंटे लग रहे हैं। यहाँ पर देखिए यदि यात्रा को पूरा करने में 3 घंटे लग रहे हैं, तो मैंने 75 और 90 दोनों की जो है वो टाइमिंग जोड़ के नहीं 3 घंटा कर दी। अब आप देखिए ये भी टाइम है ये भी टाइम है, तो दोनों टाइम टाइम है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा, 75x+, तो मैं पहले क्या करता हूँ इसको 3 से काट देता हूँ तो मुझे ज़्यादा आसान होगा। यहाँ से देखिए 3 से 3 तरफ 9, 3 दूना 6, 3 पंजा 15। ओके, अब यहाँ से देखिए 25x+250+30x=, अब इनका मल्टीप्लाई होगा तो मैंने सीधा सीधा इधर ले लिया इनको, x x+10, ठीक है, ये तो आपको सॉल्व करना आता ही होगा इतना तो। क्या अब देखिए यहाँ से ये कितना हो जाएगा हमारा, इसको देख लेते हैं पहले, x² + का 10x है, तो यहाँ से 10x है तो ये कितना बचेगा, 20x बचेगा। अब यहाँ से अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए ये कितना हो रहा है, 45 हो रहा है ये, और 250 ये है, तो मैं सबको इधर ले लेता हूँ, तो x² - का 45x और माइनस का 250=0। बस हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे, तो देखिए इनका क्या आ जाएगा, रूट जो आएंगे वो आ जाएगा 50 और 5, ठीक है। 25 को मैंने इस तरीके से तोड़ा है कि मुझे इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 50 मिल जाए, और माइनस करूँ तो मुझे जो है वो माइनस का, यहाँ पर जो है वो बात की जाए
तो 45 मिल जाए। तो अब यहाँ से जो है इसकी इसमें प्लस की वैल्यू आएगी और ये माइनस की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो आप सॉल्व भी करोगे जो आप जिस तरीके से सॉल्व करना चाहते हो, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व करते हो तो वो यही वैल्यू निकलेंगी। तो एक्स की वैल्यू हमारे से देखिए, एक तो प्लस की 50 निकली और माइनस की 5 निकली, तो हम प्लस की लेंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है, क्योंकि प्लस की वैल्यू माइनस में क्या होता है, कुछ नहीं होता है माइनस का। तो माइनस में जो है स्पीड तो कभी नहीं आती ना, प्लस में ही आएगी। तो यहाँ से हमारी जो सामान्य ट्रेन की जो स्पीड आई हमारी, वो कितनी आ गई, 50 आ गई, ठीक है। ये स्पीड हमारी ट्रेन की है 50। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं कि वो ट्रेन जो है वो 300 किलोमीटर को कितने समय में तय कर सकती है। तो 300 किलोमीटर अपॉन 50 से हम डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से देखिए कितना, 6 घंटे लगेंगे, 6 घंटे जो है वो लगेंगे उसको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सेकेंड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन जो है वो थोड़े हार्ड हैं, अगर आपको लग रहा है कि हार्ड क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हो, क्योंकि अगर आप थोड़े सिंपल करना चाहते हो तो वो भी आप मुझे बता दो, क्योंकि मुझे पता है कि थोड़े हार्ड क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन जैसे कि आपने बोले थे, कुछ लोग बोल रहे थे कि क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, तो इसीलिए मैंने थोड़े हार्ड क्वेश्चन लिए हुए हैं। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताना कि क्वेश्चन का लेवल यही रखूँ या थोड़ा कम कर दूँ, जैसा भी आप चाहो। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद वह 5 मिनट आराम करता है, और 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। 5 किलोमीटर की दूरी है। अब आप देखिए समझिए, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। मैंने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो 5 किलोमीटर है, ठीक है, 5 किलोमीटर है। अब आप समझिए यहाँ पर कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, यानी वह है 1 घंटे में जो है वो 10 किलोमीटर चल लेता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखा जाए तो 1 किलोमीटर कितने घंटे, 1 किलोमीटर जो है वो कितने घंटे में चलेगा। जैसे कि अब बात करूँ मैं, 5 किलोमीटर है, ठीक है, ये 5 किलोमीटर है। अब यहाँ से आप समझिए कि अगर मैं इसको कि क्या करूँ, मैं यहाँ से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो 5 किलोमीटर यानी 1 घंटे में जो है वो 10 किलोमीटर चलेगा, तो आधे घंटे में यानी 1 घंटे में जो है वो 10 किलोमीटर चल रहा है, तो आधे घंटे यानी 30 मिनट में वो कितना चल लेगा, 5 किलोमीटर चल लेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, 30 मिनट में 5 किलोमीटर चल लेगा। अब देखिए यहाँ से, अब हमें इतना तो पता पड़ेगा कि वह आधे घंटे यानी 30 मिनट में वह 5 किलोमीटर चलेगा, लेकिन क्या कर रहा है वो, 1 किलोमीटर के बाद रुक रहा है, 5 मिनट आराम कर रहा है। मैंने मान लिया कि 1 किलोमीटर यहाँ पर है, 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 1 किलोमीटर ये हो गया, दूसरा 1 किलोमीटर, तीसरा 1 किलोमीटर, चौथा 1 किलोमीटर, पांचवा। अब उसने क्या किया है कि पाँच पाँच 1 किलोमीटर चल के नहीं, 5 मिनट रुक जाता है, फिर रुक जाता है, फिर रुक जाता है, ऐसे करके रुक रहा है वो। तो यहाँ पर 5 मिनट रुका, यहाँ पर रुका, यहाँ पर रुका और यहाँ पर रुका, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पर कुछ ने, उसने कितना मिनट रुक लिया यहाँ पर, 5 10 15 20, तो 20 मिनट रुका है वो। और उसको 5 किलोमीटर चलने में 5 किलोमीटर चलने में 30 मिनट तो लगे ही रहते, लेकिन वो 5 5 मिनट रखा है, तो जाहिर सी बात है, तो उसे यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से 30 मिनट तो ये हो रहे हैं हमारे, और 20 मिनट और जोड़ दूंगा इसमें तो कितना हो जाएगा, 50 मिनट। तो उसको टोटल जो टाइम लगेंगे यहाँ पर वो 50 मिनट लगेगा इसको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 50 मिनट, यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। ओके, देखिए एक बार और समझिए, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, यानी 1 घंटे में वो 1 घंटे में 10 किलोमीटर चल लेता है, तो जाहिर सी बात है आधे घंटे में वो 5 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। और हमारी डिस्टेंस जो है वो 5 किलोमीटर ही है, तो अगर मैं नहीं रुकता हूँ तो मुझे आधा घंटा लग रहा है, अगर मैं बीच में कहीं भी नहीं रुकूंगा तो मुझे आधा घंटा लगेगा, लेकिन यहाँ पर कहा है कि 1 किलोमीटर के बाद वह 5 मिनट रुकता है। तो मैंने क्या किया, 1 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक हो गया, 5 मिनट रुक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक हो गया, फिर 5 मिनट रुकवाए, फिर यहाँ से हो गया, फिर 5 मिनट रुकवाए, फिर यहाँ से यहाँ तक का, फिर 5 मिनट रुकवाए, और फिर यहाँ पर पहुँच ही गया है जो मंजिल थी उसकी। तो उसमें बीच में देखिए कितना रुका है, यहाँ पर ये 20 मिनट रुका है।
अब भाई उसको 5 किलोमीटर 30 मिनट में तो लगा ही रहा था, लेकिन वो रुक रुक के नहीं, 20 मिनट और बढ़ा दिए उसने, तो 30 प्लस 20 यानी 50 मिनट जो है वो टोटल डिस्टेंस कवर करने में लगेंगे। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो कार ए और बी 88 किलोमीटर की दूरी पर हैं और एक दूसरे की ओर वो आ रहे हैं, यदि उन कारों की चाल का अनुपात 5:6 है और कार बी की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वे कितने समय के बाद एक दूसरे से मिलेंगे। ये यहाँ पर मान लो मैंने एक रोड बना लिया है, ये ठीक है, एक कार ए है और एक कार बी है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 88 है, ये इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही है, दोनों एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं यानी विपरीत हैं। तो उन कारों की चाल यानी चाल हमें जो दी हुई है, स्पीड जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है, यहाँ पर ए की स्पीड अनुपात बी की स्पीड 5:6 दी हुई है, तो टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ पर टाइम हो जाएगा 6:5 हो जाएगा। अब देखिए ये कैसे किया, अब देखिए समझिए कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है, अगर मैं डिस्टेंस कांस्टेंट रखता हूँ यहाँ पर, ये कांस्टेंट है ठीक है, क्योंकि 80-80 है दोनों के लिए, तो यहाँ पर हमारा जो बचेगा वो क्या बचेगा, जैसे यहाँ पे समानुपाती लगाता हूँ तो टाइम रेसिप्रोकल हो जाएगा, इन दोनों का इन्वर्सली हो जाएगा, एस हो जाएगा, यानी अगर मैं स्पीड को बढ़ाऊँगा ठीक है, स्पीड को बढ़ाऊँगा तो मुझे टाइम कम लगेगा, और टाइम को बढ़ाता हूँ तो मुझे स्पीड कम लगेगी, तो वही मैंने एक दूसरे का उल्टा हो रहा है ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का उल्टा कर दिया मैंने, तो ये थोड़ा समझने वाली बात है इसमें। अब देखिए, अब हमें पता है कि बी जो है वो यहाँ पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, अब बी का देखिए यहाँ पर 6 दिया हुआ है, 6 स्पीड दी हुई है, तो 6 बराबर मैंने क्या कर दिया, 90 बार दिया है, अब यहाँ से मुझे 1 के बराबर कितना पड़ेगा, 90/6, यहाँ से मुझे ए की स्पीड पता पड़ जाएगी, तो 5 का मल्टीप्लाई करूँगा 90/6 × 5 ठीक है, तो यहाँ से देखिए का 6 से मैं ऐसे काट दूंगा, 6 × 6 = 6, 6 × 5 = 30, 15 × 5 = 75, तो यहाँ पर हमारी देखिए ए की स्पीड आ गई 75 किलोमीटर प्रति घंटा ठीक है, और बी की स्पीड हमें पता है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, समझ में आई। अब हम समझ सकते हैं कि अब हमें इसकी भी स्पीड पता पड़ गई और बी की भी स्पीड पता पड़ गई, तो 88 तो यहाँ पर जो है वो किलोमीटर डिस्टेंस है, या दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो हमें अब जाहिर सी बात है एक इधर से आ रहा है एक इधर से आ रहा है, तो दोनों की स्पीड जो है वो जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है, अगर समान दिशा में चलते हैं तो स्पीड घटानी पड़ती है, और विपरीत दिशा में चलते हैं तो स्पीड जो है वो जोड़नी पड़ती है, तो यहाँ से देखिए 75 + 90 ठीक है किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यहाँ पर देखिए मिनट में हमें आंसर दिया हुआ है, तो वो हम देख लेंगे, यहाँ से देखिए ये किलोमीटर से किलोमीटर घंटा ऊपर पहुँचाएगा, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये इस तरीके से हो जाएगा, मैं इसको हटा देता हूँ, तो यहाँ से देखिए अब हम यहाँ से जोड़ लेंगे इसे, कितना हो जाएगा हमारा, 5 तो ये हो गया और 16 165 हो गया ठीक है, 165 ये हो गया, और अब मैं यहाँ से देखिए किससे डिवाइड कर सकता हूँ, यहाँ पर 5 से करता हूँ, 5 × 15 5 × 15, और यहाँ से देखिए 5 × 1 5 5 × 2 10, यहाँ से 11 से चला जाएगा, 11 8 88, 11 3 33, और 3 × 4 12, और 8 8 से और 4 में मल्टीप्लाई हुआ, और 8 × 4 32, तो 32 मिनट जो है वो इन दोनों को एक दूसरे पर मिलने में लगेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 32 मिनट यानी सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक कार 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यह अगले 50 मिनट की यात्रा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और अंतिम 25 किलोमीटर की यात्रा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरी करती है, तो कार की औसत गति हमें निकालनी है कि जो कार है उसकी स्पीड कितना होगा, औसत गति ठीक है, औसत गति, तो हमेशा याद रखना है जब भी आपको एवरेज स्पीड निकालने को कहा जाए तो आपको क्या करना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर देना है हमेशा ठीक है, एवरेज आपसे निकालने को कहा जाए, एवरेज स्पीड आपसे निकालने को कहा जाए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करना है आपको। अब देखिए यहाँ पर टोटल डिस्टेंस आप देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये तो 45 है, यहाँ पर देखिए कितना 50 दिया हुआ है, और यहाँ पर कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है,
ये तो हमारी होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कैसे निकालोगे? टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। अब यहाँ पर देखिए, डिस्टेंस हमें इतनी दी हुई है और हमारा जो स्पीड दी हुई है यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगा 45 में 15 का डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ से 15 थी 45, तो 3 इसकी आ जाएगी हमें टाइम। और इसका कितना आ जाएगा? 50 में 25 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और यहाँ पर आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 25 में 10 का डिवाइड करोगे तो 2.5 ये हो जाएगा। ओके अब हम सबकी निकाल लेंगे आसानी से। देखिए ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 0, 5 × 10 2 12, यानी 120, 120 आ रहा है ये। 50, 50, 100, 120। अब यहाँ से हम इसे भी जोड़ लेंगे, ये 5, 5 × 2 7, 7.5। यहाँ से देखिए 1 0 में यहाँ से लगा दूंगा, दशमलव हटाऊंगा तो यहाँ से देखिए कितना है, 25 × 75। और इसको अगर मैं यहाँ पर 100 मान लेता हूँ, 25 × 100, 3 × 12, यानी कितना हो जाएगा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसकी और एवरेज स्पीड होगी, यानी औसत चाल होगी। ठीक है, आपको देखिए ऐसे ही एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि आपको अगर समान डिस्टेंस दी हुई हो, मतलब जैसे कि एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अगर मैं आपको बताऊं कि आप घर से स्कूल तक जाते हो और स्कूल से घर तक आते हो, आपकी स्पीड मान लो घर से जो है वो स्कूल के जाने के लिए 10 किलोमीटर है, और स्कूल से बात की जाए तो घर आने के लिए मान लो आपके पास 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये आपकी स्पीड है। तो आपको बताना है कि एवरेज जो है स्पीड आपकी कितनी होगी। देखिए डिस्टेंस समान है, आप स्कूल से घर जा रहे हो, घर से स्कूल आ रहे हो, ठीक है, तो डिस्टेंस तो समान ही रहेगी हमेशा। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा एक फॉर्मूला लगा देना है, ए बी 2ab/a+b, ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 10 2 × 10 × 15/25, दोनों को जोड़ लिया। अब यहाँ से देखिए 5 × 10 5 25, 5 × 3 15, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर, 12 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसकी स्पीड आ जाएगी, एवरेज स्पीड। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको ऐसे करना है। अगर आपको 3 दे दिए जाए तो पहले 2 का निकाल लेना ऐसे ही करके, नहीं और फिर तीसरे का निकाल लेना। तीसरे का भी फॉर्मूला होता है 3ab/c/ab+bc+ca। तो ये 3, अगर आपको 3 दे दिया जाए, तो ध्यान रहे ये फॉर्मूला तब काम करेगा जब आपकी जो डिस्टेंस है वो सेम रहे, डिस्टेंट यानी दूरी जो है वो समान रहे, तभी काम करेगा। अब यहाँ पर तो देखिए, अब यहाँ पर देखिए इसकी 45 थी, इसकी 50 थी, इसकी 25 थी, तब हमने जो है वो इस तरीके से जो है वो हमने लगाया है फॉर्मूला। ठीक है, तो बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो, जो भी आपको समझ में आए वो आप यहाँ पर सॉल्व कर लेना। अगला क्वेश्चन, एक कार 9 घंटे में 540 किलोमीटर की दूरी तय करती है, एक ट्रेन की गति इस कार की गति से दोगुनी है, ट्रेन की गति का 2/3 एक बाइक की गति है, तो बाइक 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। देखिए कार है तो कार की पहले हमें स्पीड निकालनी पड़ेगी, स्पीड बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस हमें दी हुई है 540 और टाइम दिया हुआ है 9, तो 9 × 54, यानी आप देखोगे हमें कार की जो स्पीड मिल गई वो मिल गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर ट्रेन की गति क्या है, ट्रेन की गति जो है वो कार से दुगनी है, तो ट्रेन की गति जो है वो कार से दुगनी है, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा ये कार की गति थी, इसकी दुगनी कर दूंगा यानी 120 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसकी आ जाएगी। अब हमें बाइक की निकालनी है, तो बाइक की कितनी है ट्रेन से 2/3 है, तो बाइक की हम निकालेंगे 2/3 है ट्रेन की गति से, ठीक है, 3 × 12, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये बाइक की निकल। अब हमें कहा गया है कि बाइक 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो यहाँ से देखिए स्पीड हमें 80 दी हुई है और टाइम हमें दिया हुआ है 5, तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 400 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 400 किलोमीटर, यानी सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये थे आज के क्वेश्चन, आई होप आपको सारे क्वेश्चन से समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाकी आप वीडियो जरूर प्रैक्टिस सेट जितना हो आप प्रैक्टिस कीजिए, बाकी आप और भी चीज़ें हैं टाइपिंग है उन पर भी ध्यान दीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।